आखिर रोमन रेंज और लोगन पॉल के मैच में हमें क्या देखने को मिलेगा और क्या मैच से पहले इनके बीच में हमें कुछ झड़प देखने को मिलेगी या नहीं। वो अपनी सोशल मीडिया पर इस मैच के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और बताते हैं कि रोमन रेंज को कैसे हराऊंगा, मैं किस किस एक्सरसाइज को फॉलो कर रहा हूँ और कैसे अपने आप को स्ट्रांग बना रहा हूँ। रोमन रेंज ने साफ जाहिर तौर पर कह दिया था कि लोगन पॉल मेरे सामने बच्चा है जिसे मैं चुटकियों में हरा दूंगा, और इस मैच को लेकर ये बात भी कही जा रही है कि लोगन पॉल इस मैच के लिए प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर चुके हैं और ये मैच स्क्रिप्टेड होगा। लोगन पॉल इसलिए इतने ज्यादा WWE में दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनको अभी प्रैक्टिस दी जा रही है। अगर मैच में रोमन रेंज इन मूव्स का इस्तेमाल करें तो उन्हें कैसा रिएक्ट करना है, उन्हें मैच की शुरुआत में किस तरह का बिहेवियर रखना है, क्योंकि अगर गलती से उन्हें रोमन रेंज का कोई मूव ज्यादा जोरदार लग गया तो उन्हें एक के सीरियस इंजरी हो जाएगी और रोमन रेंज के साथ ये पूरी ब्लड लाइन और पॉल हैमन भी टाइम टाइम पर लोगन पॉल की टांग खींचते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं कि उनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी होने वाली है कि फिर दोबारा वो रेसलिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। इस मैच को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि ये मैच सऊदी अरब में होगा और इस मैच को देखने के लिए सऊदी अरब के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी आएंगे। शायद ये क्राउन ज्वेल WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राउन ज्वेल इवेंट बनने वाला है। एक दो बार तो हमें मैच से पहले लोगन पॉल दिखाई दिए थे पॉल हैमन से बात करते हुए, मगर जब लोगन पॉल हैमन पर वार करने वाले थे तभी ब्लड लाइन बीच में आ गई थी। तो WWE बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट क्रिएट करती रहती है। तो ये थी इस मैच को लेकर कुछ अपडेट्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।